हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा न्यू ब्लॉग में। कैसे आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम किचन से शुरू कर रहे हैं और किचन में भी मछली फ्राई हो रहा है। देखिए ताज़ा ताज़ा मछली फ्राई कर चुके हैं और मम्मी को फ्राई कर रहे हैं और इधर चावल चढ़ा हुआ है। आज का जो ब्लॉग है वो दोपहर से शुरू कर रहे हैं गाइस। ढेर सारा सब्जी आया है मेरे घर में, तभी देखिए सारा सब्जी अभी यहाँ पे है, देखिए झोला में। अभी इसको सब सरियाना है, तो पहले मछली फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद सब्जी को सरियाएंगे और उसके बाद हम रखेंगे गाइस। तो अभी पहले मछली फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस, मेरे हस्बैंड बोले कि आपको भूजा वाला मछली चाहिए खाने के लिए, हमको ला दे दो। तो गाइस, जैसे हम दो पीस मछली निकाले हुए हैं, उनको जा रहे हैं देने और भूजा वाला मछली खाएंगे। बोले ग्रेवी वाला बाद में खाने चाहिए हमको भूजा। तो मछली मेरा पूरा फ्राई हो चुका है गाइस, सबको निकाल लेते हैं। इसको अभी हम बंद कर देते हैं क्योंकि मसाला पिसा हुआ है, तो थोड़ा देर बाद हम बनाएंगे। तब तो देखिए, हम अपने हस्बैंड को जा रहे हैं फ्राई किया वो मछली देने। बन चुका, पापा ने देखा, तुमको भी खाना है बेटा, तुम भी खाना दो। यहाँ यहाँ है पापा, यहाँ यहाँ है, मोबाइल लेके जाओ गाइस। इसको जा रहे हैं, लेके जा रही है। सभी हम मछली का मसाला फ्राई कर रहे हैं, देखिए सारा मसाला डाल दिए हैं और उसको फ्राई कर रहे हैं। आज इतना गर्मी किया है दोस्तों, इतना गर्मी किया है कि हम बता नहीं सकते हैं आज कितना गर्मी है। देखिए मेरा चेयर है, आप लोगों को चेयर तो दिखाए थे इसे कि हम किचन वाला चेयर मंगाए थे बैठ के खाना बनाने के लिए। इस चेयर पे बहुत ही आराम लगता है गैस, बैठ जाओ यहाँ पे बैठ के आराम बनाते रहो। यहाँ पे क्या गैस पे भी आराम से, वहाँ पे ले जाना है तो वहाँ पे भी लेके चले जाते हैं, बैठ के आराम से बनाते रहते हैं, बहुत ही आराम देता है चेयर। तो गैस, इसको जब मसाला भुंजा जाएगा तो हम, मेरे हस्बैंड अभी गए थे मार्केट और वहाँ से लाए ढेर सारा सब्जी, तभी सब्जी भी हमको उबालना है, फ्रिज में रखना है सबको। तो जल्दी जल्दी हम इसको भूज लेते हैं। और आज इतना गर्मी है गाइस, धनबाद में इतना गर्मी है कि आज के मतलब किचन में रहने का मन नहीं कर रहा है। और काफ़ी ज़्यादा धूप भी है, देखिए बाहर का आपको धूप नज़र आ रहा होगा मेरा किचन का खिड़की से, काफ़ी ज़्यादा धूप है। और धूप के वजह से आम क्या है, आम जो है गाछ में वो लग रहा है एकदम सूखा सूखा टाइप का, क्योंकि बारिश जब होगा तब वो पक जाएगा। तो दो दिन पहले बारिश हुआ था गाइस, अभी बारिश नहीं हुआ है। तो गाइस, मेरा मछली फ्राई हो चुका है, बहुत झास लग रहा है, देखिए हम इसको ढक दिए हैं। अब हम जा रहे हैं सब्जी अजवाने, तो सब्जी भी अजवार लेते हैं गाइस। अब बहुत गर्म लग रहा है, जा रहे जुड़ा करने। तो गाइस, हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रहा है, स्टैंड ऊँचा कर देते हैं। तो गाइस देखिए, इतना सारा सब्जी आया है, हम बता रहे हैं पहले से मेरा इतना सारा सब्जी मेरा पहले से ही था। दौड़ ही गया था, फल भी आया है, हम रखते हैं केला, और आया है सेब, केला और आया द्राक्ष। तो भूख नहीं रख रही है, ऐसे रख देगा जब खाएगा मत भूख लगेगा। निकिता ऐसे मत करो, गाइस देखिए
यहाँ से आया है और आम भी आया है गाइस, लेकिन आम को हम पानी में रखे हैं, वो पानी गिर जाएगा तो बाद में खाएंगे आम। तो ये देखिए सेब, केला और गुलाब से आया है, तो हम यहाँ दे रहे हैं, चल रहा उसको सब्जी रखने। तो गाइस देखिए आलू आया है, तो आलू को हम तो किचन में रखेंगे, किचन वाला दौरी है, क्या बोल रहे हैं? सब्जी आज आया है मार्केट से, आज नहीं कल आया, आज आया, आज कल आया नहीं गाइस, आज सुबह में आया है, नहीं कल आया, नहीं कल रात को आया, आ देंगे बस, नहीं कल रात को आया। देखिए अब इसके अंदर हम रख रहे हैं, फिर इसके अंदर मेरा फ्रिज भी पूरा भरा हुआ है सामान से, इसको हम उठाते हैं टेबल पे ही रखेंगे, क्योंकि गैस फ्रिज में नहीं रखते हैं, ठंडा हो जाता तो कोई नहीं खाता है। और देखिए अब कौन बोले तो मेरे घर में आम भी आया है, तो आम फ्रिज में है, नहीं रखे हैं, पानी में रखे हैं अभी, तो गैस फ्रिज को बंद कर देते हैं। सारा सब्जी मेरा रखा गया है, अब आलू और प्याज को रखना है, तो उसको हमको किचन में ले कर जाना पड़ेगा। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करते हैं, और जा रहे हैं अभी कपड़ा डालने, क्योंकि काम वाले क्या की है कि कपड़ा फिंच दी है, लेकिन कपड़ा को डाली नहीं है, सारा काम करके चल जाती है गाइस, कपड़ा भी धो के चल जाती है। देखिए कपड़ा भी धुला गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन वो डाली नहीं है, क्योंकि उसको कहीं मार्केट जाना था, तो बोली कि हमको लेट हो रहा है, हमारे ठीक है रहने दीजिए, हम डाल लेते हैं। तो गाइस हम जा रहे कपड़ा डालने, और आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइस, तो आप लोग
बोलिए कितना लंबा ब्लॉग बनाती है। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करते हैं। अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं, लाइक भी कम करते हैं, तो गाइस आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर हमको सपोर्ट कीजिए। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो नए नए ब्लॉग बना के लाएंगे गाइस, और अच्छा भी लगता है ब्लॉग बनाने में। तो टाटा बाय बाय, और नए हैं तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।